आज की जो सीरीज हम स्टार्ट करते हैं, आज एक इनफैक्ट एक नहीं एक दो चीजें हम कुछ इम्पोर्टेंट दो चीजें हम इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है, वी हैव अ प्रॉब्लम। हमारे पास एक ऐसा एक प्रोग्राम है कि हमें बोला जा रहा है कि आपके पास सपोज आपको देंगे हम सर्कल, एक इट्स अ सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल देंगे तो गेट एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल की सर्कल ने कितना जो एरिया है ऑन द स्क्रीन, ऑन द सरफेस और एनीवेयर जहां भी है कि इसने कितना, यहाँ पे हम मानेंगे फिलहाल ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल ने कितना एरिया जो है स्क्रीन का ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, दोज हु आर फ्रॉम द मैथमेटिक्स नो वेरी वेल दैट सर्कल के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि सर्कल के एरिया के लिए हमारे पास होता है वेवर थिंग कॉल्ड एज रेडियस। हमारे पास एक चीज होती है रेडियस। सपोज दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फ्रॉम द सेंटर टू द दिस एक्सटर्नल कर्वेचर जो हमने इसका बनाया, ठीक है, जो हमने इसकी बाउंड्री तय की, फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस बोलते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वही हम इसको अब मैथमेटिक्स में या जो हमें प्राइमरी लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ा भी है उसमें हम यूज भी कर रहे हैं, इसको आर बोलते थे, आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड वी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज कि अगर हम एक सर्कल की, हमें सपोज ये एक सर्कल है हमारे पास, तो इसका जो है इसका जो एरिया हमें निकालना है वो है वन थिंग कॉल्ड एज आर, दैट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड अनदर थिंग इज कॉल्ड एज पाई। ठीक है, पाई इज एन कॉन्स्टेंट। ठीक है, वो एक कॉन्स्टेंट है यानी उसका एक डिफाइन वैल्यू है, वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकता या वो दिया गया है वो वही है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि जिसका एक वैल्यू है। ठीक है, इट इज अ वैल्यू सम सपोज एक्स वाई जेड वैल्यू जो भी है, तो जो वैल्यू है वो चेंज हमें नहीं होगा। ठीक है, ओके, देन द रेडियस ऑफ द देन द एरिया ऑफ द सर्कल इज डिफाइंड बाय हमें ऑलमोस्ट फ्रॉम द मिडिल लेवल ऑफ द स्कूलिंग हम पढ़ते आ रहे हैं, वो है पाई आर स्क्वायर, पाई दैट इज 22/7 और 3.14, उसका वैल्यू हमें कॉन्स्टेंट है, आर इज द रेडियस एंड आर का स्क्वायर हमें करना पड़ता है, यानी इन दो का मल्टीपल हमें करना पड़ता है। इट इज क्लियर मैथमेटिक्स जो हम इससे पहले भी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं हमारे पास यही एक ऑप्शन है कि हमें बोला जा रहा है, सपोज आई कैन राइट लाइक दिस, एक फाइंड द एरिया ऑफ गिवन सर्कल। तो एक प्रोग्राम हमें बनाना है, एक सॉफ्टवेयर, छोटा बड़ा सा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। तो ये क्या करेगा, एक हमारा प्रोग्राम, ये एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, सपोज ये सर्कल हमारे पास है या कोई और सर्कल, तो इसका एरिया हमें चाहिए। ठीक है, हमें एरिया के लिए पता है हमारे पास होता है वी हैव अ थिंग कॉल्ड एज रेडियस। ठीक है, रेडियस तो मैं आर भी लिख सकता हूं, मैं फुल नेम रेडियस भी। अब मैंने यहाँ पे फ्लोट यूज किया, फ्लोट इसलिए यूज किया, मैंने फ्लोट इसलिए यूज किया बिकॉज मे बी ये जो हमारे पास ये रेडियस है, ठीक है, जो रेडियस हमने यूज किया यहाँ पे, इट मे नॉट बी नॉट बी एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं हो सकता। सपोज इसकी जो रेडियस है वो 3.12 सेंटीमीटर है या मीटर्स है या जितना भी बड़ा हो या इंच हो, लेकिन तो हम इसको मानते हैं ये फ्लोट में होगा। बाय फ्लोट वी मीन इट हैज अ डेसिमल वैल्यू। ठीक है, तो मानते हैं इसका एक डेसिमल वैल्यू है। ठीक, तो वह वह और हमारे पास एक एक और फ्लोट वैल्यू ही है पाई, आई कॉल दैट कैपिटल पी आई एंड दैट इज 3.14। उस पाई का एक पहले से ही एक वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इस पाई का जो वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे इस पाई को कॉन्स्टेंट बनाना है तो मुझे क्या करना है, आई विल यूज समथिंग कॉल्ड एज सी ओ एन एस टी, इट्स अ कीवर्ड,
ओके, इसे कीवर्ड कॉन्स्टेंट फ्लोट पाई, इसका नाम हमने रखा पाई। एक इससे पहले ये खाली है, अगर मैं ये हटा देता हूं, सपोज ऐसे, सॉरी, अगर मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, ऐसे, तो ये एक वेरिएबल बन जाता है, पाई एक वेरिएबल है। लेकिन जो ही मैं इसको कॉन्स्टेंट आगे रखता हूँ, सी ओ एन एस टी, ठीक है, ये की वर्ड है कॉन्स्टेंट का मतलब, अब जो ये पाई है इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। वो क्या ये रियली वर्क करता है, वो विल सी लेटर इंशाल्लाह। तो मेरे पास दो चीजें आ गई, रेडियस, सपोज रेडियस मैं यूजर या यूजर मुझे देगा या कुछ, ठीक है, तो मेरे पास दो चीजें हैं, दूसरी चीज है पाई, पाई का वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एक चीज निकालनी है जिसका नाम है एरिया, ठीक है, तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए ऑब्वियसली वी नो दैट एरिया इज कॉल्ड पाई इनटू रेडियस स्क्वायर, ठीक है। अब रेडियस स्क्वायर तो हमारे पास यहां पर हम स्क्वायर तो नहीं लिखते हैं ऐसे, हम क्या करते हैं, रेडियस इनटू रेडियस, तो रेडियस इनटू रेडियस का मतलब ही रेडियस स्क्वायर। मैन बेसिस आर सेम, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर्स विल बी एडेड, ठीक है ना, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। सो नाउ द एरिया की मैंने जो है उसकी जो हमारे पास एक पहले से ही फॉर्मूला जो है वो है पाई इनटू रेडियस स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू मेरे पास पता है, लेकिन रेडियस का भी मेरे पास वैल्यू नहीं। आई कैन गिव इट अ रेडियस ऐसे, सपोज रेडियस, वी हैव रेडियस सपोज 4.2 या और 4 और समथिंग। सपोज मेरे पास इसकी रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है, अभी मैं इसको ऐसे ही लेता हूँ, ऑल्दो मैंने वो मेजर तो नहीं किया है, मैं बस इसकी ऐसे ही लेता हूँ ये मेजर, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है ये मेजर नहीं करता चीजें। हमारा प्रोग्राम क्या है, इसमें आप दे देते हो कि रेडियस कितनी है और ये आपको क्या निकाल के देगा, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। नाउ दिस एरिया इज इक्वल टू पाई इनटू रेडियस स्क्वायर, ठीक है, वी कैन प्रिंट आउट दिस। एरिया इज इक्वल टू पर्सन डी, सॉरी, अब यहां पे मैंने इससे पहले हम पर्सन डी लिखते थे, लेकिन यहां पे मैंने पर्सन एफ लिखा, क्योंकि ये पर्सन डी जो हम यूज कर वो हम इंटीजर वैल्यूज के लिए यूज कर रहे हैं, और यहां पे मैंने पर्सन एफ लिखा, इसका मतलब ये फ्लोट वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है क्योंकि ये फ्लोट है, ठीक है। तो मैंने लिखा एरिया इज इक्वल टू पर्सन एफ, और इस पर्सन एफ के बदले जो वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू क्या आना चाहिए, एरिया का, जो हम इससे पहले करते आ रहे हैं। सो वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, ठीक है, एंड वी गॉट अवर दिस रिजल्ट लाइक दिस, एरे इज इक्वल 550.24002, दिस इज द रिजल्ट वी गॉट, ठीक है। वी विल चेंज, हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं वैल्यू को, सपोज वैल्यू को 3 करते हैं, देखते हैं क्या हमें डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। When value was changed to 3, we got 28.26000, ठीक है, okay। तो यहाँ पर अगर हम suppose person D हम लिखते, यहाँ पर लिखे हमने person F लिखा था, अगर यहाँ पे person D लिखते तो what will happen with that? अब देखो, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू नहीं, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू था, मैंने इसको परसेंट डी बनाया, इंटीजर बनाया, ये बन गया मेरा एरे इज इक्वल 16106127 36, व्हिच इज एक्चुअली जो कि एरिया इसका नहीं है, जो कि गलत है डेटा आ रहा है। तो विद द राइट टाइप ऑफ जो हमारा हमारे पास होता है डेटा टाइप, उसी का यहाँ पे ये परसेंट टाइप डिफाइन होना चाहिए, यानी इंटीजर के साथ परसेंट डी या परसेंट आई भी इंटीजर के साथ यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज परसेंट डी, और फ्लोट के साथ पर्सन एफ, ठीक है, और अगर हमारे पास कैरेक्टर हो तो पर्सन सी, ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे। अभी हमारे पास प्रोग्राम जो है ये तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम दो जो है चीजें टेस्ट करेंगे, दो चीजें हम टेस्ट करेंगे। वन ऑफ द थिंग्स इज दैट इज दिस
पाई रियली ए कांस्टेंट नाउ, क्या ये पाई अब रियली कांस्टेंट, कैसे मैं चेंज कर चेक कर सकूं क्या पाई कांस्टेंट है? मैं पाई का वैल्यू 3.00 कर देता हूं। याद रखे मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है, फ्लोट इसका डेटा टाइप है, पाई लिखा है इसका, ये इसका मैंने नाम रखा पी आई, कैपिटल पी आई, आप स्मॉल पी आई भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने कैपिटल पी आई यहाँ पे जानबूझ के रखा, ठीक है, नो इशू। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पाई का वैल्यू फिर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कंपाइल दिस बट इज नॉट, ये कंपाइल नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्यों? ये मुझे यहाँ पे एक एरर बोल रहा है, ठीक है, इट गिव्स मी एन एरर दैट यहाँ पे जो मसला है, एक एरर आ रहा है, असाइनमेंट इज रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब ये कॉन्स्टेंट है, रीड ओनली, आप इसे आप पढ़ सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है, आप इसको आप यूज कर सकते हो, इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज हमने सीखी, अगर किसी चीज का हमें वैल्यू कॉन्स्टेंट रखना हो, इसका हम चाहते हैं कि ये बाद में चेंज ना हो जाए, तो वी यूज कॉन्स्टेंट की वर्ड इन फ्रंट ऑफ द डेटा टाइप से पहले ही हम लिखते हैं कॉन्स्टेंट की वर्ड, ठीक है। और याद रखना जब हम कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करते हैं कोई, ठीक है, उसका वैल्यू हम देते हैं वहीं पर, ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू फिर चेंज नहीं होना है, ठीक है। अब ये किस काम आता है हमें, क्या हम, हमें तो पता ही है पाई एक्चुअली कॉन्स्टेंट है, ये किस काम आता है हमें, हमने इसको क्यों कॉन्स्टेंट किया फिर सब? ये तो एक छोटा मोटा प्रोग्राम है, इट इज जस्ट 14 लाइंस ऑफ कोड है हमारे पास टोटल, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और जब एक बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, दे हैव लैक्स इन लैक्स थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड, उनके पास कभी 10,000 लाइंस ऑफ कोड होती है, कभी 1,00,000 लाइंस ऑफ कोड भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा सॉफ्टवेयर हो जाएगा ये जो है हमारे पास चीजें ज्यादा बढ़ती जाएंगी, तो मे बी, और जब एक बड़ा सॉफ्टवेयर होता है उस पर अक्सर एक बंदा काम नहीं करता, उस पर एक से ज्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, किसी ने कोई कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया, ऐसा ना हो कि कोई इसको उस वैल्यू को फिर चेंज करे, तो जब भी जो ही एक बंदा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसे कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर देता है, तो बाकी उसको फिर यूज करते हैं, लेकिन वो उसका वैल्यू चेंज नहीं कर पाते। जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने इस पाई का वैल्यू चेंज करना चाहा, लेकिन इसने हमें चेंज करने से रोक लिया, ठीक है, इट डजंट अलाउड अस टू चेंज द वैल्यू, दिस इज द वन थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है, ओके, वी आर डूइंग, हम एरिया ऑफ द सर्कल तो निकाल रहे हैं, लेकिन ये रेडियस जो है ये हम यूजर्स, ये हम यही से दे रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स मेक दिस प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली। हाउ टू मेक यूजर फ्रेंडली एक्चुअली और यूजर इंटरेक्टिव? ये प्रोग्राम जो हमारा है, एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर है, ज्यादा इफेक्टिव काम बनता है जब हम यूजर्स से इंटरेक्शन करते हैं, यानी यूजर, ये तो ऐसे अगर मैं इसको सपोज वैल्यू दूं 4 या कुछ, तो ये हमेशा उसी वैल्यू का, ये जो है एरिया हमें उसी रेडियस का एरिया हमें देगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग द प्रोग्रामिंग, एक सही तरीका नहीं है प्रोग्रामिंग करने का। तो प्रोग्रामिंग करने का सही तरीका क्या है? टू मेक प्रोग्राम इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या इंटरेक्टिव बनाना है, हम चाहते हैं कि यूजर जो है वो खुद से एक वैल्यू दे, ठीक है, कि मुझे, मेरे पास, क्योंकि पाई का वैल्यू तो पहले ही है, हमें खाली चाहिए रेडियस का वैल्यू, कि वो मुझे बताए कि जनाब ये लो आप, आपका सॉफ्टवेयर ऐसा करना चाहिए कि मैं यहाँ से रेडियस एंटर करूं और वो मुझे वहां से उस रेडियस, उस सर्कल का एरिया निकालना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे आज, एक इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे हम यूजर इंटरेक्टिव बनाते हैं चीजों को। सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज स्कैनएफ। Some of the people may be aware of on this, but I am using from the scratch. Okay? What does scanf do? It gets a value. It scans. Scan का मतलब हासिल करना. Scan formatted form में हासिल करता है. ठीक है. From basically ये first अगर हम by default ये connect होता है हमारे keyboard के साथ. ठीक है. By default ये connect होता है हमारे कीबोर्ड के साथ, या हमारी जो नई टच स्क्रीन आई है आजकल, चाहे मोबाइल हो या टच स्क्रीन हो, तो बाई टच वो भी डायरेक्टली होता है, ठीक है। तो मैं यूज करूंगा एक फंक्शन scanf, 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 ठीक है। अब मैं इसको बोलूंगा किस तरह का डेटा आपको लेना है, इट इज पर्सन f, लेकिन ये डेटा आपको क्या करना है, ये डेटा आपको एक्योर करना है, और यहाँ पर हम लिखते हैं एंड रेडियस। अब देखिए क्या ये जो है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, मैंने क्या यूज किया, scanf तो एक फंक्शन है, ठीक है। अब percent f, जैसे हमने प्रिंट करने के लिए percent f लिखा, यहाँ पे भी percent f, ठीक है। percent f का मतलब
कि मैं जो यूजर से डेटा लेना चाहता हूँ दैट इज फ्लोट, दैट इज फ्लोट, उसका जो डेटा टाइप है फ्लोट है, क्योंकि मुझे रेडियस लेना है तो फ्लोट। उसके बाद हम ये कोट्स करते हैं, फिर कॉमा लिखते हैं, ठीक है, एंड देन वी राइट लाइक दिस एंड एम्परसेंड, इसे हम बोलते हैं एम्परसेंड, ठीक है, शॉर्टकट पे वाला एंड जो हम होता है हम इसे एम्परसेंड बोलते हैं, एम्परसेंड एंड रेडियस और उसका नाम एंड लिखते हैं और रेडियस जो हमें वेरिएबल जिसे हमें यूजर से लेना है वो हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वेट करेगा और पूछेगा ये हमसे लेगा एक वैल्यू, ठीक है। तो विल एक्चुअली एग्जीक्यूटिव ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट विल हैपन। सो यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन सी आ रही है, कुछ और नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा वेट कर रहा है। सपोज मैं इसको दे रहा हूँ 4 या 5 वैल्यू, फिर मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे देगा 5 का एरिया 7, 8.5, 000, 000, ठीक है। तो इसने मुझे 5 का दे दिया, ठीक है। एक और चीज भी कर सकते हैं, मैं फिर से अगर इसको कंपाइल करूं, ठीक है, ये मुझे फिर से वेट कर रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा, मैं इसका 6 दे रहा हूं तो मुझे 6 का एरिया दिखा रहा है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज मिस हो रही है, ये मुझे वेट कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है वहां से कि क्यों वेट कर रहा हूं। तो हम इसको थोड़ी सी इससे बातें करवाएंगे, ठीक है। कैसे बातें करवाते हैं, हम इसको एक मैसेज देंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको इंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, आप अपने रेडियस जो है उसका वैल्यू दें। देखो यहाँ पे मैं खाली मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई पर्सन वर्सन नहीं है, मैं खाली ये मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ। ये क्यों मैं करना चाहता हूँ, ताकि जो मेरा प्रोग्राम की जो है स्ट्रक्चर है वो ज्यादा अच्छा यूजफुल लगे उसका, वो कुछ इससे पहले तो ये खाली ब्लैक स्क्रीन आ रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। अब इससे क्या होगा, देखो मैंने ये प्रिंट अप जो है, ये मैसेज जो है स्कैन ऐप से पहले लिखा, मैं चाहता हूँ जो ही मेरा प्रोग्राम रन हो, ठीक है, वो एक मैसेज प्रिंट करे कि आप रेडियस का वैल्यू दे दे, ठीक है, और मैं यहाँ से उसको बोलूँ कि आपने जो रेडियस दिया है, फिर मैं ले लूँ वो रेडियस उससे स्कैन ऐप यूजिंग स्कैन ऐप फंक्शन, और फिर ये मैं सारा ये काम करता हूँ और काम करने के बाद मैं उसको वैल्यू दे देता हूँ कि एरिया का वैल्यू कितना है, ठीक है, और विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, ओके। नाउ वी हैव अ मैसेज, इससे पहले कोई मैसेज नहीं, अब मैसेज है, अभी बोल रहा है इंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, कि रेडियस का वैल्यू आप दे दो, ठीक है, इसलिए वेट कर रहा है हमारा। तो मैं इसका इसको एक वैल्यू दे देता हूँ, सपोज 2.4, ओके, इंटर करता हूँ तो 2.4 जो रेडियस है उसका एड्रेस एरिया जो है उस सर्कल का एरिया इसने दे दिया 18.00, ठीक है। अब तो देखो ये प्रोग्राम जो है थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव हो गया, अब ये क्या कर रहा है, ये दो काम कर रहा है, ये एक तो यूजर से मांग रहा है, ठीक है, याद रखना हमारा प्रोग्राम जो यहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने जो पहले भी बोला यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर क्या किया ये खुद इसने किया, ये हमने किया, ठीक है, इसके इससे यूजर को कुछ नहीं, हमने फ्लोट में एक वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल रेडियस जिसका वैल्यू हम देंगे ऑन द रन टाइम, ठीक है, फिर कांस्टेंट एक फाई, ठीक है, एक और हमने वेरिएबल, लेकिन वो कांस्टेंट हमने बना दिया, इसका मतलब इसका वैल्यू फिर चेंज नहीं होगा आगे, इसका वैल्यू हमेशा यही रहेगा, उसका नाम हमने रखा पाई 3.14, उसका वैल्यू दे दिया, ठीक है, फिर एक फ्लोट एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, जिस वेरिएबल का नाम है एरिया, ओके। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम एक प्रिंट एक मैसेज कर रहे हैं, एक प्रिंट एक मैसेज कर रहे हैं इंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, आप जो रेडियस हम यूजर से बोल रहे हैं कि आप हमें दे दो रेडियस, खाली रेडियस हमें दे दो, तो उस रेडियस का जो है हम आपको एरिया देंगे, उस सर्कल का एरिया देंगे, ठीक है, निकाल के। तो वी गेट दिस रेडियस, हमें रेडियस मिलती है हमें, ठीक है, तो इस रेडियस कैसे हम ये लेते हैं रेडियस, वी एक्चुअली हैव अ फंक्शन टू गेट यूजर डिटेल, यूजर डिटेल्स कैसे लेनी होती है, वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड द स्कैन एफ। तो स्कैन एफ में क्या होता है, हम पहले लिखते हैं कोट्स में, ठीक है, कि क्या हमें किस टाइप का डेटा चाहिए, सपोज आई एम गेटिंग हियर परसेंट एफ फ्लोट टाइप, क्योंकि ये रेडियस फ्लोट टाइप है, ठीक है, उसके बाद एक कॉमा करके, ठीक है, फिर एम्परसेंड एंड शॉर्टकट वाला एंड से हम बोलते हैं एम्परसेंड और उस वेरिएबल का नाम साथ ही में लिखना होता है, यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह नहीं होती है, ये साथ ही में लिखना होता है। ये एंड क्यों लिखते हैं, डिपेंड एक्चुअली द एड्रेस, वो हम आगे इंशाल्लाह जो है इस चीजों में देखेंगे एंड क्यों लिखते हैं, ठीक है, फिलहाल ये एक इसका जनरल स्ट्रक्चर है, ये याद रखना है जब तक हम इसको अच्छे से समझ ना लें। तो जब भी हमें कोई यूजर से इनपुट लेना है तो वी हैव टू यूज परसेंट एफ
for float, person C for character, person D for obviously the integers, and then comma karke and or us variable ka naam. ठीक है, तो देन वी डू दिस, ये हम खुद करते हैं हमारे प्रोग्राम में, इसको यूजर को पता नहीं लगता है. एरे इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हमें पता है, तो पाई इनटू आर स्क्वायर. तो मैंने जो ये आर इनटू आर यानी रेडियस स्क्वायर जो किया, मैंने इसको रखा पैरेंथेसिस में. लास्ट टाइम मैंने आपको एक बात बोली थी अगर आपको याद हो, कि हमारा जो ये प्रोग्राम है इसका एग्जीक्यूशन होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है. जो कोई एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, तो इसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो राइट टू लेफ्ट, यानी ये राइट टू लेफ्ट पहले राइट से आ जाएगा. अब जो राइट से आ गया, पहले इसको ये पेरेंथेसिस मिली, ठीक है, ये ठीक है. तो ये जब इनको ये इसको ये मिले, तो उसने पहले इसको एग्जीक्यूट किया, रेडियस का वैल्यू दे दिया, रेडियस इंटू रेडियस कर दिया, ठीक है. फिर रेडियस इंटू रेडियस यानी रेडियस स्क्वायर का जो वैल्यू मिला उसको मल्टीपल किया यूजिंग विद पाई, ठीक है. अब यहाँ पर हम मल्टीपल जो करते हैं, आई एम नॉट यूजिंग एक्स, क्योंकि हम कभी कभी दिखा दें नॉट एक्स, एक्चुअली द स्टार, मल्टीपल यूजिंग विद द स्टार, ठीक है. देन मैं ये प्रिंट आउट देता हूँ यूजर को, यहाँ से आउटपुट आपने जो है रेडियस हमें बताया था, उसका जो वैल्यू है एरिया, उस सर्कल का जो एरिया है वो ये है. या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सर्कल, मैं एक बड़ी मैसेज भी दे सकता हूँ ताकि मेरा जो है प्रोग्राम अच्छा लगे, ठीक है. तो जैसे अभी मैं इसको 3.8 देता हूँ रेडियस, एंटर करता हूँ तो वो मुझे देता है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है. तो एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, आपने रेडियस का वैल्यू दे दिया, अब जो है एरिया ऑफ द सर्कल अभी ये है, ठीक ठीक है. अब एक और सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली जो है हम जो एक ही इसको वैल्यू दे पाते हैं, हम ये बार बार यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमें बार बार इसको फिर से चलाना पड़ता है. वो हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे एक प्रोग्राम को तब तक चलाते रहे जब तक यूजर चाहे, जब वो चाहे नहीं अब मुझे बंद करना वो बंद करे, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है. फिलहाल ये तो था बेसिक, ठीक है. अब मैं इसी स्कैन एफ एरिया, ये तो एरिया ऑफ द सर्कल था, ठीक है. अब हम इसी में एक जनरल एक्चुअली मैं स्कैन एफ के बारे में थोड़ी सी और चीजें बताऊँ. सपोज वी हैव इंट नंबर या इंट नाम वन कॉमा नाम टू, तो मैं चाहता हूँ इन दो नंबर्स का मैं सम करूँ, लेकिन दो नंबर का सम जो है मैं चाहता हूँ ये यूजर से ले लूँ मैं, ठीक है. तो मैं कर सकता हूँ एक शॉर्ट में प्रिंट एफ इंटर नंबर वन, एक नंबर आप दे दो, ठीक है, ये मैसेज है ये सारे कोर्स में लिखा. फिर स्कैन एफ, अब चूंकि ये जो है ये इंटीजर मैं ले रहा हूँ, तो मुझे लिखना होगा पर्सन डी एंड ऑफ नम वन, और मैंने नम वन ले लिया, ठीक है. हम दोनों एक ही साथ भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ. फिर मैं ये भी कह सकता हूँ प्रिंट एफ इंटर नेक्स्ट नंबर या नंबर टू, ठीक है, तो दूसरा नंबर आप दे दो, ठीक है. फिर स्कैन एफ पर्सन डी, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर है तो पर्सन डी करना होगा, एंड ऑफ नाम टू, ठीक है. तो मैंने क्या किया, पहले एक मैसेज दे दी इसको कि आप एक नंबर एक एंटर करें, फिर इसको फिर से मैसेज दे रहा हूँ कि दूसरा नंबर एंटर करें, वो दूसरा नंबर एंटर कर रहा है. फिर प्रिंट एफ, इसको मैं बोलता हूँ कि सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल, क्योंकि इंटीजर है तो इसमें इसका सम भी इंटीजर ही होगा, ठीक है. अब ए प्लस देखो मैंने यहाँ पे तीसरा वेरिएबल यूज ही नहीं किया सम, ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट इसका यहाँ पे दो का ऐड किया. ये भी पॉसिबल है, हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन भी लिख सकते, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसका ये पहले इवॉल्वेट होगी तो इसकी ये भी हम लिख सकते हैं. लेकिन ये बड़ी ध्यान से जो एक्सप्रेशन बड़े होते हैं तो हम बड़े एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं लिखते, वो हम अलग ही लिखते हैं पहले ताकि कोई एरर ना आ जाए. लेकिन क्योंकि ये छोटी एक्सप्रेशन है, दो नंबर्स का ऐड करना है तो काफी ज्यादा बड़ी एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये एक शॉर्टकट तरीका भी है. तो जो ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे वैल्यू देता है इंटर नंबर वन, पहले नंबर वन दे दो मुझे, सपोज मैंने इसको नंबर वन 34 दे दिया, देन ये मुझे फिर से बोल रहा है इंटर नंबर टू, नंबर टू दे दो, मैं इसको दे रहा हूँ सपोज 20, ठीक है.
फिर मैं जो इंटर करता हूँ ये मुझे वहां से दे रहा है कि सम इज कॉल्ड 54, जो आपने दो नंबर्स इंटर किए हैं उनका जो वैल्यू है सम है, तो वो 54 है। ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हो सम ऑफ थ्री नंबर्स का, ठीक है, तीनों नंबर्स फ्रॉम द यूजर लेनिंग, ठीक है। अभी तक तो हम खुद से दे रहे थे, लेकिन बाय यूजिंग स्कैनएफ वी कैन गेट द नंबर फ्रॉम द यूजर, ताकि और ये प्रिंट एप्स भी हम यूज करें ताकि हमारा प्रोग्राम जो है अच्छे से दिखे, वो हमें कुछ मैसेज बोले कि क्या कर रहे हैं आपको, हम वो करें फिर वो हमें रिजल्ट्स दे। इससे क्या होता है कि हमारा जो ओवरऑल प्रोग्राम की लुक और फील है वो बहुत अच्छी आ जाती है।